अस्सलाम वालेकुम, परी के घर में आप सबको वेलकम है। आज हम बना रहे हैं मगज़ फ्राई, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होगा, बहुत आसानी से बन जाता है। इसके लिए हमने बीफ का एक मगज़ ले लिया है, उसको हमने बॉईल करके साफ़ करके यहाँ कटिंग करके रख लिया है। दो बड़ी प्याज हैं जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। तीन बड़े टमाटर थे जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है। एक टेबल स्पून हमें चाहिए होगा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। एक टी स्पून हमने नमक लिया है, आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ हमें चाहिए होगी 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून हमें चाहिए होगी हल्दी, 3 हरी मिर्चें जिन्हें हमने बारीक काट लिया है, 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा पिसा हुआ गरम मसाला, साथ हमें चाहिए होगी अदरक थोड़ी सी जूलियन स्टाइल में कटी हुई, और हमें चाहिए होगा 1/4 प्याली ऑयल। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। मगज़ को बॉयल करने के लिए हमने पानी जो है गर्म होने रख दिया है। इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये मगज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक बॉयल होने देंगे। मगज़ को बॉयल करके हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब है इसकी सफाई का मरहला, इसको साफ़ करने के लिए। ये देखें, आप ये पकड़कर खींचेंगे तो ये इसकी स्किन जो है वेन समेत जो है निकलती जाएगी और ये हमारा साफ एरिया आ जाएगा। यही सब करके हमें अपने पूरे इस मगज़ की सफाई करनी है, उलट पुलट कर ऊपर नीचे दोनों जगह से। मगज़ को हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद अब हम इसको 4 into pieces कर लेंगे, जैसे भी आपको पसंद हो, पतले मोटे या जो भी। अब हम इसे काट रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें हम ये अपनी चॉप प्याज डाल देंगे और इसको पिंक होने तक अच्छे तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे। जैसे ही प्याज पिंक हो जाएगी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक्कन ढक देंगे ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर हमारे गल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और डालेंगे हल्दी और डाल देंगे हम इसमें नमक और इस मसाले को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। मसाले को 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें ये मगज़ शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। 3 से 4 मिनट हमें इसे अच्छे तरीके से भूनना है कि इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए और ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद हम इस पर अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसमें आ गया है ऑयल हमारा साइड्स पर। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे ये पिसा हुआ गर्म मसाला और जो हरी मिर्चें हमने काटी थी हम वो भी इसमें डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये कटी हुई अदरक और फिर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक्कन छोड़ देंगे। देखें, अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये कितनी ज़बरदस्त लुकिंग है। और अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको ढक्कन ढक रहे हैं। अब हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।